प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं प्रतिभा शर्मा, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, नई मंडी, मुजफ्फरनगर से आज आप सबको कक्षा 7 में उदिता से पंचवटी नामक पाठ पढ़ा रही हूँ। आप और हम मिलकर आज इसका अध्ययन करेंगे। पंचवटी के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 30 अगस्त 1886 को चीर गांव झांसी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम काशीबाई, जो एक धार्मिक महिला थी, और पिता का नाम रामचरण गुप्त था, जो हिंदी के विद्वान थे। इन्हीं की प्रेरणा से मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी में कविताओं की रचना प्रारंभ की। मैथिली शरण गुप्त कबीरदास जी को अपना गुरु मानते थे और जयशंकर और महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपने प्रेरक मानते थे। मैथिली शरण गुप्त की मुख्य रचनाएं रंग में भंग, साकेत, यशोद्रा, द्वापर, जयद्रथवध, पंचवटी और भारत भारती हैं। भारत भारती में इन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जगाने का कार्य किया और उसी कविता से प्रसन्न होकर महात्मा गांधी ने उनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी। तो राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी, यहाँ प्रश्न दिया आता है। तो राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी मैथिली शरण गुप्त को। इनकी सभी इनका हिंदी साहित्य में योगदान देखते हुए इनको पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया। इनका निधन 12 दिसंबर सन 1964 में झांसी में ही हुआ था। अब हम इनकी कविता पंचवटी पढ़ेंगे। पंचवटी पढ़ने से पहले हम पंचवटी का समास देखते हैं कि पंचवटी को पंचवटी क्यों कहते हैं। पंचवटी पांच वटों का समूह, अर्थात पंचवटी वह स्थान है जहां पर पांच वट एक साथ स्थित हैं। यहां पर यह द्विगु समास हुआ। पंचवटी कविता को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कवि इसमें क्या बता रहा है। तो आइए इससे पहले की घटना को थोड़ा सा समझते हैं। पंचवटी में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का वर्णन है कि वे वहां आकर क्यों रहने लगे। अयोध्या में राजा दशरथ, जिनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा, उनसे उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए, जिसमें कौशल्या के पुत्र श्रीराम, केकई के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। वैसे तो चारों भाइयों में अपार स्नेह था, किंतु फिर भी राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी आज भी याद की जाती है। कुछ समय पश्चात चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम, श्री राम का विवाह सीता जी के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ। जब चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो गया तो सब खुशी से अयोध्या में रहने लगे। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने विचार किया कि अब उन्हें अपना राजपाट छोड़कर वह राज्य अपने बड़े पुत्र को दे देना चाहिए। इस समय भरत अपने ननिहाल गए हुए थे। ये खबर जब सारे अयोध्या में हुई तो वहाँ अयोध्या में पता चली तो सब बहुत प्रसन्न हुए। माता केकई भी बहुत प्रसन्न थी, किंतु उनकी दासी मंथरा ने उनके कान भरे और उन्हें ये बताया कि यदि राम राजा बन गए तो कौशल्या राजमाता हो जाएंगी और वो तुमसे जो है दासी जैसा व्यवहार करेंगी। ये बात केकई के समझ में आ गई और उन्होंने जो है दशरथ से राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। 14 वर्ष का वनवास दिया तो सिर्फ राम को गया था, किंतु लक्ष्मण और सीता भी अपनी इच्छा से उनके साथ वन को चल दिए। भारद्वाज ऋषि के बताए अनुसार वे लोग चित्रकूट में जाकर रहने लगे। चित्रकूट में भरत उनको लेने के लिए आए, लेकिन वापस लेके जाने में जो वो लेके नहीं जा पाए, अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। इसके पश्चात
श्री राम ने सोचा कि यदि मैं यहीं रहूँगा तो अयोध्या वाले और भरत कभी भी मुझसे मिलने आते रहेंगे और मेरे जो वनवास का कार्य है उसमें विघ्न पड़ेगा, तो वे वहाँ उसको छोड़ते हुए चित्रकूट को और आगे की ओर बढ़ लिए। दंडकारण्य में जाते हुए उनको वहाँ पर ऋषि अगस्त मिले और ऋषि अगस्त ने उनको पंचवटी में रहने का सुझाव दिया। उन्होंने पंचवटी में 5 वटों की छाया में अपनी कुटिया बनाई और उस कुटिया की रक्षा करते हुए लक्ष्मण जी वहाँ किस प्रकार से रह रहे हैं इसी का वर्णन इस कविता में किया गया है। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को भी जानेंगे। आप सब अर्थ पढ़ने से पहले पुस्तक में दिए हुए इसके शब्दार्थ को एक बार अवश्य पढ़ लें, जिससे आपको यह कविता समझने में आसानी होगी। अब हम इसकी कविता को पढ़ते हैं। ध्यान देंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। चारु माने सुंदर, चंद्र हम सबको पता है चंद्रमा, चंचल इधर उधर घूमती हुई, किरणें प्रभा अर्थात चांद की जो किरणें हैं जिसको हम चांदनी के नाम से भी जानते हैं, वह खेल रही हैं जल थल में। जल और थल यानी कि नदियों में भी और पृथ्वी पर भी चारों ओर खेल रही हैं, बिखर रही हैं। कवि कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें चारों ओर बिखरी हुई हैं और वह बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ऐसा लगा हुआ है जैसे एक सफ़ेद चादर चारों ओर अवनी माने पृथ्वी, ये हमारी पर्यायवाची है पृथ्वी का, अवनी और अंबर पर्यायवाची है आकाश का, कि आकाश और पृथ्वी दोनों ही सफ़ेद रंग की चादर से ढक दिए गए हों, इस प्रकार का हमें एहसास हो रहा है। और पृथ्वी भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए अपने जो तिनके हैं जो गर्मी में झुलस गए थे वो चांद की ठंडक से दोबारा से अपने आप को प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं, अपने कोनों को अपने जो है नोक को हिला हिला कर। और बड़े बड़े वृक्ष भी झूमते हुए अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर वर्णन किया गया है चांदनी रात का। इसके आगे पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी 5 पेड़ों की छाया में एक बहुत ही सुंदर पत्तों से बनी हुई कुटिया है और उसके सामने एक सफ़ेद पत्थर की शिला है जिस पर एक धैर्यवान वीर और निडर मन का व्यक्ति बैठा हुआ है। जाग रहा है कौन धनुर्धर धनुष को धारण करने वाले, तो श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही धनुष को धारण करते थे लेकिन यहाँ बात लक्ष्मण की हो रही है। तो कहते हैं जाग रहा है कौन धनुर्धर, यह कौन धनुर्धर है धनुष को धारण करने वाला है जो इस समय भी जाग रहा है, जबकि भुवन संसार पूरा संसार इस समय सो रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, भोगी माने भोग को करने वाला यानी कि जितने भी सुख हैं उन सब का भोग करने वाला। कुसुमायुध, कुसुम है आयुध, आयुध माने बाण, कुसुम है बाण जिसका अर्थात कामदेव, कामदेव के समान भोगी है अपनी शक्ल से लेकिन अपने कर्मों से और अपने विचारों से वह योगी जैसा प्रतीत होता है। किस व्रत में है व्रति यह निंद्रा का यो त्याग किए, राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। आगे कवि प्रश्न करता है कि ये
कौन है ये व्रती, व्रती माने किसी भी व्रत को धारण करने वाला, चाहे सत्य के व्रत को धारण करने वाला हो या किसी के सेवा को धारण, व्रत को धारण करने वाला हो, ये व्रती कौन है और इसने कौन सा व्रत लिया हुआ है जिसमें इसने अपनी नींद का भी त्याग किया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक अपनी नींद का त्याग कर दिया था और वे लगातार जागते हुए दिन में श्री राम और सीता, माता सीता की सेवा करते थे और रात में उनकी रक्षा के लिए जागे रहते थे। राज्य भोग्य के योग्य विपिन में, राजभोग यानी कि देखने में तो ऐसे लगते हैं जैसे ये कोई राजकुमार हैं, लेकिन आज ये विपिन अर्थात जंगल में किस वैराग्य को लिए हुए बैठे हैं। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा मेरत इसका तन है, मन है जीवन है। ये जिसका प्रहरी बना हुआ है, जिस कुटिया का यह प्रहरी बना हुआ है, उसमें आखिर ऐसा कौन सा धन है। हमारा जितना भी कीमती सामान होगा, बहुमूल्य सामान होगा, हम उसके लिए उतने ही अच्छे प्रहरी को नियुक्त करते हैं। तो ऐसा कौन सा धन इसमें है कि यहाँ पर इस निर्जन स्थान में वह जो है उसकी रक्षा कर रहा है, किसकी रक्षा में ये इसका तन मन और जीवन लगा हुआ है, अर्थात ये किस ऐसी अमूल्य निधि की रक्षा कर रहा है जो ये रात्रि में भी जागा हुआ है। इसके बाद इसमें बताया है कि किसकी रक्षा ये कर रहे हैं, किसकी रक्षा कर रहे थे। श्री राम अपनी रक्षा करने में सक्षम थे और इनके साथ आई हुई थी माता सीता, तो माता सीता को राक्षसों से बचाने के लिए लक्ष्मण निरंतर उनकी सेवा में रहते थे। और क्यों रहते थे उसका भी कारण बताया है, मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न प्रहरी हो, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। मृत्युलोक, मृत्युलोक कहा जाता है पृथ्वी को, क्योंकि यहाँ पर जो भी आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यदि भगवान भी अवतार लेकर आते हैं तो वो भी अपनी लीला को समाप्त करके और इस लोक से वापस जाते हैं, तो इसलिए यहाँ इसको मृत्युलोक कहते हैं कि जो भी पृथ्वी पर आया है उसको मृत्यु अवश्य प्राप्त होगी। तो इस मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी की मलिनता अर्थात दरिद्रता, यहाँ दरिद्रता को हम राक्षसी प्रवृत्ति से भी मान सकते हैं, क्योंकि सीता जी के जन्म का जो उद्देश्य था वो राक्षसों का वध करवाना ही था। वध करने का कार्य श्री राम का था, लेकिन वध किस कारण से होगा, वो कारण माँ सीता बनने वाली थी। तो इस पृथ्वी का की दरिद्रता अर्थात इसको राक्षसों से मुक्त कराने के लिए अपने स्वामी के संग जो आई है उसकी रक्षा में यह वीरव्रती लगा हुआ है। कौन है वो, तीन लोक की लक्ष्मी। हम सब जानते हैं श्री राम विष्णु जी के अवतार और माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, तो तीनों लोकों की लक्ष्मी ने इस कुटिया को अपनाया है। हम समझ सकते हैं जब हम लक्ष्मी जी की दी हुई धन दौलत जवाहरात इन सब की रक्षा में अपना बहुत सा समय और वीर प्रहरी लगा देते हैं, तो जो उनको देने वाली हैं, जो उन साधनों को देने वाली हैं, उन माता लक्ष्मी के लिए लक्ष्मण जैसे जो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं वही सक्षम हैं, और उन्होंने आज ये कुटी अपनाई है, उन्हीं की रक्षा में लक्ष्मण लगे हुए हैं। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। माता सीता वीर वंश की लाज हैं, रघुकुल उस समय का सबसे वीर वंश माना जाता था और उनकी लाज अर्थात उस वंश की वे वधु हैं, तो उनका प्रहरी भी वीर ही होगा। विजन देश है, क्योंकि ये जो स्थान है ये विजन माने वी माने विरक्त और जन माने लोगों से खाली स्थान है, निशा शेष है, रात्रि अभी शेष है, और यहाँ पर निशाचरी अर्थात जो राक्षस हैं उनकी माया यहाँ पर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा है स्वच्छंद सुमंद गंधव है, निरानंद है कौन दिशा।
बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इस पैराग्राफ में कवि ने आगे की घटना का संकेत दिया है। हम सभी को पता है कि आगे क्या हुआ। पंचवटी में सुपर्णखा नाम की राक्षसी आई, जिसकी नाक लक्ष्मण द्वारा काटी गई, और उन्हीं के बाद खर और दूषण का वध हुआ, और माता सीता का हरण रावण के द्वारा कर लिया गया। तो ये यहाँ पर इस पैराग्राफ में उसकी ओर इशारा किया गया है। कहते हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है, कितनी सुंदर चांदनी बिछी हुई है चारों ओर, और कितनी शांत रात्रि है। स्वच्छंद सुमंद गंधवंद, स्वच्छंद स्वतंत्र धीरे धीरे बहने वाली और गंध से युक्त जब हवा चल रही है, तो ऐसी कौन सी दिशा है जो निरानंद होगी, अर्थात जिसको आनंद न मिल रहा हो। किंतु बंद नहीं है अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। किंतु इस समय में भी ऐसा नहीं है कि नियति अर्थात भाग्य ने अपने कार्यकलाप करने बंद कर दिए हों। उसका कार्य धीरे धीरे मंद गति से चुपचाप चल रहा है, और आने वाले समय में क्या होगा इसका पता इस समय स्वयं श्री राम और माता सीता को भी नहीं है। आपके कोर्स में सिर्फ ये 5 छंद इसमें दिए हुए हैं। ये पूरी कविता बहुत बड़ी है, जिसमें पंचवटी में क्या क्या हुआ उसका पूरा वर्णन है, माता सीता के हरण तक और जटायु वध तक। अब हम इसमें मुख्य चीज पढ़ते हैं, पंचवटी में जो पहली लाइन आती है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। पहली पंक्ति है चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहां पर हम देखते हैं कि छह वर्ण एक से अधिक बार आ रहा है, चारु में, चंद्र में, चंचल में। तो ये क्या है? हम सब ने छठी क्लास में अलंकार पढ़े थे, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। ये हम आप सब छठी कक्षा में पढ़ चुके हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप सबको पता है। एक होता है शब्द अलंकार, और दूसरा है अर्थालंकार। कक्षा 6 में हमने यहीं तक पढ़ा। इसके बाद शब्दालंकार के भी 3 भेद हो जाते हैं। शब्दालंकार में 3 हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। यहां पर हम सिर्फ अनुप्रास के विषय में बात करेंगे। अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक वर्ण, ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ एक वर्ण, वर्ण अर्थात जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, जब उस वर्ण की आवृत्ति होती है। यदि हम आवृत्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो सिर्फ हम आवृत्ति कहेंगे, और यदि हम प्रयोग करते हैं कि जब वह वर्ण एक से अधिक बार आए, हम अधिकतर गलती कर जाते हैं और हम बोल जाते हैं कि एक शब्द, जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो या तो हम आवृत्ति शब्द का प्रयोग करेंगे या हम एक वर्ण बार बार आए। तो जब एक वर्ण बार बार कहीं आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार का यह उदाहरण इतना प्रचलित है कि आप चाहे कक्षा 6 में पढ़ें तब भी सबसे पहले यही उदाहरण दिया जाएगा, या आप इससे स्नातक कर लें तब भी यही उदाहरण सबसे पहले इसका दिया जाता है। बहुत से बच्चे ये मानते हैं कि ये लाइन सिर्फ एक ही है, इसकी पूरी आगे की कविता नहीं है, और जब वो कविता पढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये इतनी बड़ी कविता है, और इसमें बहुत स्थान पर इस तरह का प्रयोग किया गया है, जैसे अवनी और अंबर। यहाँ पर भी अवनी और अंबर, ए ए ए, इस वर्ण की आवृत्ति हो रही है। पुलक प्रकट, यहाँ पर भी। तो ये पूरी कविता अनुप्रास अलंकार को अपने अंदर समेटे हुए है। इसी प्रकार आपका ये पहला प्रश्न हो गया, चारु चंद्र की चंचल किरणें, इस वाक्य में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? इस वाक्य में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, और उसकी परिभाषा, जब एक वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है।
इसके बाद आप देखेंगे इसमें है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द को पर्यायवाची भी माना जाता है, लेकिन यदि समानार्थी पूछा जाए तो हम सिर्फ एक शब्द बताते हैं, और यदि पर्यायवाची पूछा जाए तो हमें एक से अधिक शब्द बताने होते हैं। समानार्थी और पर्यायवाची में यही एक छोटा सा अंतर है। इसमें पहला पर्यायवाची है किरण। किरण यदि सूर्य की है तो उसको रश्मि कहा जाएगा, और यदि चांद की किरण के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसको ज्योत्सना कहा जाता है। किरण में रश्मि सूर्य की किरण के लिए और ज्योत्सना चांद की किरण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार इसमें अवनि, अवनि का मैं आपको बता चुकी हूँ, पृथ्वी, अंबर आकाश, स्वच्छ निर्मल, विपिन वन, लक्ष्मी श्री, वंश कुल, और स्वच्छंद स्वतंत्र। आज हम इतना ही इसमें पढ़ेंगे, आगे का जो कार्य शेष रह गया उसको अगली कक्षा में पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए घर रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।